हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है पेन पाल यानी पत्र मित्र। ये पढ़ेंगे, ठीक है। पत्र मित्र, पेन पाल मतलब पत्र मित्र, और इसके राइटर हैं जी श्रीनिवास राव। सुनिए, अबाउट द आथर, अबाउट मतलब के बारे में और आथर मतलब लेखक। किसके बारे में? लेखक के बारे में, ठीक है। तो देखिए, फिर लेखक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है लेखक। तो इसमें लिखा है जी श्रीनिवास राव हु वाज अ फेमस टीचर। हु मतलब जो, वाज मतलब थे, फेमस टीचर प्रसिद्ध अध्यापक। जी श्रीनिवास राव जो एक प्रसिद्ध अध्यापक थे, वाज बॉर्न, पैदा हुए थे 1928 सन 1928 ईस्वी में। तो अबाउट द आथर, अबाउट मतलब के बारे में, आथर मतलब लेखक, लेखक के बारे में। जी श्रीनिवास राव हु वाज अ फेमस टीचर, जी श्रीनिवास राव जो कि एक प्रसिद्ध अध्यापक थे, वाज बॉर्न 1928 1928 ईस्वी में पैदा हुए थे। ही टाट इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही मतलब वह, टाट मतलब पढ़ाते थे, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, एंड इकोनॉमिक्स और अर्थ और अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। तो ही टाट इंग्लिश, ही मतलब वह, टाट मतलब पढ़ाते थे, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, एंड इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। ही हैज़ रिटन, वह लिख चुके हैं, सो मैनी आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख लिख चुके हैं, इन वेरियस रिप्यूटेड न्यूज़पेपर, बहुत सारे विभिन्न सम्मानित अखबारों में विभिन्न लेख लिख चुके हैं। ही हैज़ रिटन, ही मतलब वह, हैज़ रिटन मतलब लिख चुके हैं, ही हैज़ रिटन वह लिख चुके हैं, सो मैनी आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख लिख चुके हैं, इन वेरियस मतलब होता है भिन्न, रिप्यूटेड मतलब सम्मानित न्यूज़पेपर्स अखबारों में वो लेख लिख चुके हैं, एंड मैगजीन्स और मैगजीन में भी अपना लेख लिख चुके हैं। पेन पाल पत्र मित्र, द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी, पत्र मित्र तो कहता पेन पाल पत्र मित्र, द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रीडर्स डाइजेस्ट। हैज़ बीन टेकन मतलब चुनी गई है, फ्रॉम द रीडर्स डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट नामक लेख या पत्रिका से चुना गया है, चुनी गई है, ठीक है। तो ये जो पेन पाल वाली कहानी है, द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी, हैज़ बीन टेकन मतलब चुनी गई है, फ्रॉम द रीडर्स डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट नामक लेख या पत्रिका से चुनी गई है। अब देखें अबाउट द स्टोरी, तो अबाउट मतलब के बारे में और स्टोरी मतलब कहानी, कहानी के बारे में। व्हेन द आथर वाज अ 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, व्हेन मतलब जब, आथर मतलब लेखक, वाज मतलब था 21 ईयर ओल्ड, 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज का विद्यार्थी था। व्हेन द आथर वाज अ 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, जब आथर लेखक 21 साल का कॉलेज का स्टूडेंट था। ही चूज द एड्रेस ऑफ अ लेडी, ही मतलब उसने, चूज मतलब चुना, एड्रेस मतलब पता, ऑफ अ लेडी एक महिला का, नेम्ड एलाइस जिसका नाम एलाइस था, उसने एक महिला का पता चुना जिसका नाम एलाइस था, फ्रॉम लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में जो रहती थी, लॉस एंजलिस में रहने वाली एलाइस नामक महिला का उसने पता चुना। ही रोट हिज फर्स्ट लेटर, ही मतलब उसने, रोट मतलब लिखा, हिज फर्स्ट लेटर टू हर ऑन अ पिंक सीट, ही मतलब उसने, रोट मतलब लिखा, हिज फर्स्ट लेटर, उसने अपना पहला पत्र लिखा, ये देखिए लिखा है ना, हिज फर्स्ट लेटर, उसने अपना पहला पत्र लिखा, टू हर, उसे, किसने, हमारे लेखक ने एलाइस को पत्र लिखा। ही रोट, उसने लिखा, हिज फर्स्ट लेटर, अपना पहला पत्र लिखा, टू हर, उसे, ऑन अ पिंक सीट, एक गुलाबी सीट पर उसे एक पत्र लिखा, ऑफ अ कॉस्टली राइटिंग पैड, एक महंगे राइटिंग पैड को लेकर के, टू मेक हर हिज पेन पाल, उसे अपना पत्र मित्र बनाने के लिए। तो कहता ही रोट हिज फर्स्ट लेटर, ही मतलब उसने, रोट मतलब लिखा, हिज फर्स्ट लेटर, अपना पहला पत्र लिखा, टू हर, उसे, उसने, उसे अपना पहला पत्र लिखा, ऑन अ पिंक सीट, एक गुलाबी सीट पर, ऑफ कॉस्टली राइटिंग पैड, एक महंगे राइटिंग पैड पर लिखा, टू मेक हर हिज पेन पाल, उसे अपना पत्र मित्र बनाने के लिए। एलाइस सेंट द रिप्लाई जस्ट आफ्टर, एलाइस ने तुरंत रिप्लाई दिया, तुरंत जवाब दिया, एलाइस सेंट द रिप्लाई जस्ट आफ्टर, एलाइस ने तुरंत जवाब दिया, सी हैड रिसीव्ड हिज लेटर, कि उसे, रिसीव्ड हिज लेटर, कि उसे उसका पत्र मिल चुका था। सी हैड रिसीव्ड, तुरंत जवाब दिया कि सी हैड रिसीव्ड हिज लेटर, सी मतलब उसे, हैड रिसीव्ड मतलब मिल चुका था, हिज लेटर उसका पत्र, उसे उसका पत्र मिल चुका था। इन देयर करेस्पॉन्डेंस, उनके पत्र व्यवहार में,
इन देयर करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? पत्र व्यवहार, पत्रों के माध्यम से बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो कहता है इन देयर करेस्पॉन्डेंस, उनके पत्र व्यवहार में एलाइस डिड नॉट रिवील मच अबाउट हर। एलाइस ने डिड नॉट रिवील मतलब नहीं बताया, नहीं ओपन किया, मच मतलब बहुत अधिक अबाउट हर अपने बारे में, एलाइस ने बहुत अधिक अपने बारे में नहीं बताया। ठीक है, इन देयर करेस्पॉन्डेंस उनके पत्र व्यवहार में एलाइस डिड नॉट रिवील, एलाइस ने नहीं बताया, रिवील मतलब खोलना, बताना, जानकारी देना, एलाइस ने नहीं बताया, मच मतलब बहुत अधिक अबाउट हर अपने बारे में बहुत अधिक नहीं बताया। द आथर वांटेड टू नो, लेखक जानना चाहता था हर एज, उसकी उम्र। द आथर मतलब लेखक, वांटेड मतलब जानना चाहता था हर एज, उसकी उम्र, लेखक उसकी उम्र जानना चाहता था। बट इट वॉज इम्पोलाइट, लेकिन ये गलत बात है, टू आस्क फॉर हर एज, उसकी उम्र पूछना इम्पोलाइट अच्छी बात नहीं थी। बट मतलब लेकिन, इट वॉज इम्पोलाइट टू आस्क हर एज, बट मतलब लेकिन, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, इम्पोलाइट मतलब गलत था, विनम्रता से दूर था, टू आस्क पूछना, फॉर हर एज उसकी उम्र पूछना गलत बात थी। व्हाट डज ही डू टू नो दिस फैक्ट, व्हाट मतलब क्या, ही मतलब उसने, डू मतलब किया, टू नो दिस फैक्ट उसने इस तथ्य को जानने के लिए क्या किया, उसकी उम्र जानने के लिए क्या किया। व्हाट डज ही डू, व्हाट मतलब क्या, ही मतलब उसने, डू मतलब किया, टू नो जानने के लिए, दिस फैक्ट उसने यह तथ्य जानने के लिए क्या कहा, क्या किया। व्हाट हैपेंस एट लास्ट, व्हाट मतलब क्या, हैपेंस मतलब घटित हुआ, एट लास्ट अंत में क्या घटित हुआ। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द रियलिटी, इस कहानी को पढ़ो, रीड द स्टोरी कहानी को पढ़ो, एंड फाइंड आउट द रियलिटी और वास्तविकता को खोजो। ठीक है, तो कहानी हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।